मिस्टर राज सिंह 111। तो आप देख सकते हैं मुझे एवेंजर्स की बीटा एक्सेस की मिल चुकी है। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी कि आप एवेंजर्स को फ्री में ले सकते हैं, और अभी भी मैं देख रहा हूँ उस वीडियो पे इतने व्यूज़ नहीं आए हैं। आप लोगों को लगा होगा कि ये वीडियो फेक है, पता नहीं क्या वीडियो बना रहा है। तो मैं अभी आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, और बैकग्राउंड में हमारा गेम इंस्टॉल हो रहा है। ये देखिए एवेंजर्स का लगभग 9 GB डाउनलोड हो चुका है, 27.1 GB का गेम है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बीटा की को कैसे रिडीम करेंगे। मत करो, रन लो, रन लो। तो पहले मैं आपको अपनी ईमेल्स दिखा दूं कि जैसे कि मेरे पास ईमेल आई थी, ये ईमेल मेरे पास एक दिन पहले आई थी लगभग। मैं दिखाता हूँ एक मिनट, ये देखिए 1 day ago। और मैं आज जब अपना ईमेल ओपन करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं एकदम शॉक हो गया कि यार मुझे कैसे मिल सकता है ये चीज़, क्योंकि आज तक मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। तो इसको रिडीम कैसे करना है फ्रेंड्स, आपको डायरेक्ट अगर ऐसा कोई मेल आया होगा तो यहाँ रिडीम बीटा की पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप एक इस तरीके के इंटरफेस में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन का दिखेगा और ज्वाइन अस का दिखेगा। अगर आपका स्क्वायर इनिक्स पे पहले से अकाउंट बना हुआ है देन आप लॉगिन करिएगा। अगर नहीं बना है तो आप ज्वाइन करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड डाल दीजिएगा अपना, जो भी आपको डालना है। और लॉगिन करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये कुछ स्टेप्स देगा कि कैसे करना है, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स आपको। वर्ल्ड है तो मैं आगे बताऊंगा। जिनके पास स्टीम इंस्टॉल नहीं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन जिनके पास इंस्टॉल है और जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ गेम्स पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिवेट अ प्रोडक्ट ऑन स्टीम, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ नेक्स्ट कर दीजिएगा और यहाँ आई एग्री कर दीजिएगा। अब जो आपको प्रोडक्ट कोड मिला है ये वाला, इसको आपको कॉपी करना है फ्रेंड्स, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एक छोटी सी प्रोसेस होगी, मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ इसलिए वो सारी चीज़ें हो गई हैं। पेस्ट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जैसे कि मैंने ये स्क्रीनशॉट काट लिया था, जैसे देखते हैं प्रोडक्ट एक्टिवेशन, और फिनिश कर दीजिएगा। ये फिनिश होने के बाद तरीके से एक इंटरफेस ओपन होगा, जिसके अंदर वो आपकी मतलब हार्ड ड्राइव में स्पेस पहले एलोकेट करेगा इतने GB का, देन उसके बाद ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी नेट स्पीड और नेट का डेटा बचा के रखिए इस गेम के लिए। और आई होप अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और बहुत ही जल्द मैं एवेंजर्स का एक गेम प्ले डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस वीडियो। मिस्टर राज सिंह 111।